हेलो दोस्तों, इजी टू एक्सप्लोर में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वेब फॉर्म में आप जो टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करते हैं उसमें आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो 2017 का यूज़ करेंगे। हम फाइल पे चलेंगे, न्यू ऑप्शन का यूज़ करके प्रोजेक्ट पे चलेंगे। ध्यान रखें, वेब के अंदर वेबसाइट में आप ASP.NET MT वेबसाइट चूज़ करें और वेबसाइट का जो भी प्रॉपर नेम रखना है उसको क्लिक कर एंटर करके ओके करें। अब हम अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलेंगे और आप देख पाएंगे वहाँ पे आपको MT वेबसाइट में जो कि डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स या फाइल्स होती हैं वो मिलेंगी। अब हम इस पर राइट क्लिक करके ऐड ऑप्शन पर जाएंगे और एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे जिसमें हम बैकएंड कोड विजुअल सी शार्प यूज़ करेंगे और प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल को टिक करना ना भूलें और नेम को जो भी आपको नेम सेट हो वो यहाँ पे एंटर करके .ASPX एक्सटेंशन के साथ ऐड करें। अब आप देख पाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपका पेज ऐड हो गया है सी शार्प कोड के साथ। अब आप डिव टैग के अंदर चल के टेबल टैग का यूज़ करें और एक लेबल का यूज़ करें नेम का, जिसके पे हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन लगाएंगे। अब स्टीरी टैग के अंदर हम ASP.NET का टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करेंगे और एक और टीडी टैग लगा के हम इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को प्लेस करेंगे। यह आपके वैलिडेशन वाले पार्ट में मिल जाएगा। इसमें आप RMS को मैसेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। तो हम इसे प्लीज़ एंटर योर नेम कर दे रहे हैं। इसके बाद इसका 4 कलर सेट करें। और इसमें अब कंट्रोल बताएं, कंट्रोल टू वैलिडेट एट्रीब्यूट का यूज़ करें जो कि बताता है कि कौन सा कंट्रोल आपको वैलिडेट करना है। तो आप उस कंट्रोल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका मतलब ये है कि ये वैलिडेटर उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे ही वर्क करेगा। इसके बाद हम एक TR टैग और प्लेस करते हैं और उसके अंदर हम बटन प्लेस करते हैं जिसके क्लिक करने पे ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर चेक करेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज़ एंटर योर नेम करके मैसेज डिस्प्ले कर देगा। इसको हम सेव कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप टूल बॉक्स में जाके एजैक्स एक्सटेंशन में स्क्रिप्ट मैनेजर को प्लेस करना ना भूलें। इस स्क्रिप्ट मैनेजर को आप अपने फॉर्म टैग के अंदर प्लेस करें। यह स्क्रिप्ट मैनेजर आपके रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को रन कराने में सपोर्ट करता है और ये हमेशा आप रन एट सर्वर फॉर्म टैग के अंदर ही प्लेस करेंगे तभी ये रन कर पाएगा या सपोर्ट कर पाएगा, वरना आपके पेज पे एरर आ सकती है। इसके बाद हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे और web.config पे जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन को क्लोज होने से पहले एक ऐप सेटिंग का टैग डालेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग। उसमें की ऐड करेंगे जो वैलिडेशन सेटिंग्स अनऑब्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड पे वर्क करेगी, उसकी वैल्यू को नन सेट करेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वैलिडेशन सेटिंग्स को लेकर आपके पेज पे एरर आ सकता है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो ये ज़रूर डालें, वरना आपका वैलिडेटर प्रॉपरली रन नहीं करेगा। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लें। अब आप अपने डिफ़ॉल्ट पेज पे चलें और इसको गूगल क्रोम के थ्रू डीबग कराएं।
अब आप बिना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम एंटर किए बिना आप सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको प्रॉपर मैसेज मिल रहा होगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। इसका मतलब आपको यहाँ पे नेम डालने का वैलिडेशन लग गया है। अगर आप यहाँ पे नेम डाल दें और अब आप सबमिट पे क्लिक करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब आपका वैलिडेशन लग गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे इजी टू एक्सप्लोर इन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है विजुअल स्टूडियो में या सीक्वल सर्वर या सीक्वल से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। थैंक यू।